प्रकाश नाथ, नंदू नाटेकर, प्रकाश पाडुकोन, पुलेला गोपीचंद। इंडिया को बैडमिंटन में लगातार ऐसे प्लेयर्स मिलते रहे हैं जिन्होंने बड़े से बड़े स्टेज पर भारत का झंडा लहराया। इंग्लैंड ओपन से लेकर वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, सब में इंडिया ने कभी ना कभी मेडल जीता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में मेन सिंगल्स में अब तक गोल्ड नहीं आया है, हालांकि पीवी सिंधु ने विमेन सिंगल्स में 2019 में ये कमाल किया था। इंडिया के इतिहास में पहली बार देश के पास ऐसा रोस्टर है जो एक टीम की तरह किसी भी देश को मात देने की क्षमता रखता है, और थॉमस कप के फाइनल में यही देखने को मिला। 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को हराकर इंडिया ने पहली बार थॉमस कप गोल्ड अपने नाम किया है। अब आपको बताते हैं थॉमस कप की पूरी कहानी। फाइनल के पहले मैच में लक्ष्य सेन ने अपनी खराब फॉर्म को पीछे छोड़ते हुए टोक्यो ओलंपिक्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट एंथनी गिंटिंग को 21-8, 17-21 और 16-21 से हराया। लक्ष्य को क्वार्टर और सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा था, पर फाइनल में उनका डिफेंसिव गेम वापस फुल फ्लो में दिखा। बैंकॉक में खेले जा रहे फाइनल के अगले मुकाबले में सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी के सामने मोहम्मद एहसान और संजय सुकामुल्यु थे। एहसान आमतौर पर हेंड्रा सतियावन के साथ खेलते हैं, पर मार्कस गिडियन को हुई इंजरी की वजह से एहसान का साथ सुकामुल्यु दे रहे थे। पहला सेट इंडोनेशियन पेयर ने अपने नाम किया, दूसरा सेट भी उसी तरफ जाता नजर आ रहा था। एहसान और सुकामुल्यु ने 20-17 की लीड ले ली थी, लेकिन इसके बाद सात्विक और चिराग ने कमाल की वापसी की और दूसरा सेट 23-21 से अपने नाम किया। तीसरे सेट तक मोमेंटम बदल चुका था। 21-19 से तीसरा सेट जीतकर इंडिया के नंबर वन डबल्स पेयर ने भारत को 2-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद इंडिया की जीत लगभग तय मानी जा रही थी। इसकी वजह किदांबी श्रीकांत का फॉर्म। अब तक थॉमस कप में अपना हर मैच जीतने के बाद श्रीकांत आज भी हारने के मूड में नहीं थे, मगर उनके सामने थे जोनाथन क्रिस्टी। क्रिस्टी इस सीजन 2 बार श्रीकांत को हरा चुके हैं। बहरहाल श्रीकांत ने एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट क्रिस्टी की एक न चलने दी और सीधे सेट्स में ही मैच जीत लिया। ग्रुप स्टेज में भारतीय टीम चाइनीज टाइपे के बाद दूसरे नंबर पर आई। जर्मनी और कनाडा को 5-0 से हराने के बाद इंडिया को चाइनीज टाइपे ने 3-2 से हराया। इसके बाद क्वार्टर फाइनल में इंडिया ने मलेशिया को 3-2 से हराया। सात्विक साई, चिराग, HS प्रणय और किदांबी श्रीकांत ने अपने मैच जीतकर इंडिया के लिए इतिहास रचा था। क्वार्टर फाइनल जीतने के बाद इंडिया ने 43 साल बाद थॉमस कप में अपना पहला मेडल सुनिश्चित किया था। इसके बाद सेमीफाइनल में इंडियन टीम का सामना डेनमार्क से था। जी हाँ, वही डेनमार्क जहाँ से वर्ल्ड नंबर वन विक्टर एक्सेलसन आते हैं। अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप विक्टर ने लक्ष्य को पहले ही मैच में हरा दिया था, पर किदांबी श्रीकांत, सात्विक साई रेड्डी, चिराग शेट्टी और प्रणय ने एक बार फिर कमाल किया और टीम को 3-2 से जीत दिलाई। इसमें श्रीकांत का अलग से जिक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने एंडर्स एंटनसन को हराया। एंटनसन फिलहाल वर्ल्ड रैंकिंग्स में तीसरे पायदान पर बैठे हैं। प्रणय ने अपने मैच में एंकल इंजरी से लड़ते हुए इंडिया को जीत दिलाई थी। उनकी तारीफ किए बिना भी ये कहानी अधूरी रहेगी। अब थोड़ी सी चर्चा अपनी टीम की कर लेते हैं। इस टीम में किदांबी श्रीकांत जैसे प्लेयर्स हैं जो 2018 में वर्ल्ड नंबर वन रह चुके हैं। प्रणय की बात करें तो वो प्रतिभा से भरे हुए हैं। सात्विक और चिराग ने तो टोक्यो 2021 के पहले से ही फैंस का दिल जीत रखा है। टीम का हिस्सा कृष्ण प्रसाद और विष्णु वर्धन भी हैं, जो डबल्स की दूसरी टीम है। इसके बाद आते हैं टीम के लीडर लक्ष्य सेन, जिनके पास किदांबी और प्रणय से बहुत कम अनुभव है। लक्ष्य सिर्फ 20 साल की उम्र में ही वर्ल्ड चैंपियनशिप के सेमीफाइनल और इंग्लैंड ओपन के फाइनल तक का सफर तय कर चुके हैं। उनकी अगुवाई में ये टीम और भी बहुत कुछ कर सकती है। फिलहाल हमारी तरफ से इस टीम को ढेर सारी बधाई, शुक्रिया। ये वीडियो हमारे लिए शूट किया है विजय ने, मैं हूँ पुनीत, और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए द ललन टॉप।